हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोध सॉल्व करा रहा हूं 2024 की। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं परीक्षा बोध आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके पूरी सॉल्व कराऊँगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। लेसन फर्स्ट है आपका अ लेटर टू गॉड। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो आपकी परीक्षा बोर्ड में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस बात की आशा करता था। होप फॉर का हिंदी मतलब होता है आशा करना। तो लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो जो है एक अच्छी फसल की आशा करता था। हार्वेस्ट का हिंदी मतलब होता है फसल। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और फसल को केवल थोड़ी सी बरसात की ज़रूरत थी। नीडेड का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत होना, रेन यानी बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान हैं। न्यू कॉइन्स का हिंदी मतलब होता है नए सिक्के, और लाइक का अर्थ हो यहाँ पर की तरह या के समान। लाइक के दो अर्थ होते हैं, की तरह और की समान, तो यहाँ पर हो रहा है की तरह। रेन ड्रॉप्स का हिंदी मतलब होता है वर्षा की बूंदें। तो लेंचो ऐसे क्यों कहता है कि वर्षा की बूंदें जो हैं सिक्कों के समान हैं, नए सिक्कों के समान। लेंचो सेड दैट, लेंचो कहता है कि द रेन ड्रॉप्स जो वर्षा की बूंदें हैं वर लाइक न्यू कॉइन्स, आपके नए सिक्कों की तरह। यहाँ तक यदि आप देखोगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन से ही लिया गया है आंसर, यहाँ से शुरू होता है बिकॉज से। बिकॉज द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप। क्रॉप का हिंदी मतलब होता है फसल। वुड हेल्प मतलब मदद करेगी या सहायता करेगी। किस चीज़ में सहायता करेगी? रिच हार्वेस्ट। रिच हार्वेस्ट का मतलब होता है अच्छी फसल होने में। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी आशा करना। तो लेंचो इसलिए कहता है क्योंकि बरसात की जो बूंदें हैं वो फसल को अच्छी होने में सहायता करेंगी, इसलिए वो कह रहा था कि बरसात की बूंदें जो हैं नए सिक्कों के समान हैं। सिक्कों से तुलना कर रहा था बरसात की बूंदों की। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द रेन चेंज। रेन किस में बदल जाती है। What happened to the Lencho's field? और बाद में लेंचो के खेत का क्या होता है। लेंचो's field का हिंदी मतलब होगा लेंचो का खेत। happened का अर्थ होगा होना। तो लेंचो के खेत का क्या होता है जब रेन जो है ओलों में बदल जाती है। सडनली यानी अचानक। सडनली का हिंदी मतलब होगा अचानक। लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, मतलब बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। बिगेन टू का अर्थ होगा लगता है, लगती है, लगते हैं, और फॉल यानी गिरना। तो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ओले को हिंदी में बोल हेलस्टोन का अर्थ हो जाएगा ओले। विथ रेन किसके साथ गिरते हैं वो, बरसात के साथ। विथ रेन यानी बरसात के साथ। तो अचानक से जो है बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं बरसात के साथ। एंड यानी और, कंटिन्यूड फॉर एन आवर, और एक घंटे तक लगातार गिरते रहते हैं। कंटिन्यूड का हिंदी अर्थ हो जाएगा लगातार, वे गिरते रहते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और पूरी तरह से वो नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? कॉर्न यानी जो मक्का की, जो मकई की जो फसल थी, मक्का की जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाती है। डिस्ट्रॉय का हिंदी मतलब हो जाएगा नष्ट हो जाना, और टोटली यानी पूर्ण तरह से। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग। लेंचो की भावनाएं क्या थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले बंद हो गए। हेल यानी ओले, स्टॉप्ड यानी बंद हो जाना। जब ओले गिरना बंद हो गए, जब जो है लेंचो की क्या भावनाएं थी। लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो जो है बहुत दुखी हो गया। फिल्ड विथ सैडनेस का मतलब दुखी हो जाना, सैडनेस यानी दुखी, फिल्ड विथ हो जाना। ऑल हिज लेबर
हैड बीन वेस्टेड, और जितना भी उसने सारा काम किया था वो पूरा बर्बाद हो गया। वेस्टेड का हिंदी मतलब हो जाएगा बर्बाद हो जाना। लेबर यानी काम या वर्क। ही सेड, वह कहता है कि देट ईयर यानी उस साल दे वुड हैव नो कॉर्न, के उनके पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। तो लेंचो की भावनाएं क्या थी, लेंचो जो है दुख से भर जाता है और उसका सारा काम बर्बाद हो जाता है और उस साल उसके पास कुछ भी अनाज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ इन, भगवान को किस पर भरोसा था। फेथ इन का अर्थ होता है भरोसा होना। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, डू यानी हो जाएगा करना, व्हाट यानी क्या, लेंचो को किस पर भरोसा था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को जो है भगवान पर भरोसा था। एंड ही रोट अ लेटर एड्रेस टू गॉड, और भगवान के पते पर उसने पत्र लिखा। एड्रेस का हिंदी अर्थ हो जाएगा पता, रोट यानी लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। आस्किंग फॉर, मांगते हुए, आस्किंग फॉर का हिंदी मतलब हो जाएगा मांगते हुए। 100 पेसोस, 100 पेसोस मांगते हुए उसने भगवान के पते पर एक पत्र लिखा। किस लिए लिखा, टू बाय फूड, ताकि वो भोजन खरीद सके। एंड फॉर सीड्स, और वो बीज खरीद सके। सीड्स का हिंदी मतलब होता है बीज, बोने के लिए बीज खरीद सके और भोजन खरीद सके, इसलिए उसने जो है भगवान के पते पर पत्र लिखा। बाय का हिंदी अर्थ हो जाएगा खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, उस लेटर को किसने पढ़ा, हु यानी कौन ने या किसने पढ़ा। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, उस लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, देन का अर्थ होता है तब, डू यानी करना, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। ही वॉज टच्ड बाय लेंचोस फेथ, लेंचो का विश्वास उसे पूरी तरह छू गया। टच्ड यानी छू जाना, क्या छू गया, लेंचो का फेथ यानी विश्वास, भरोसा। फेथ इन यानी विश्वास या भरोसा, जो किस पर था, जो गॉड पर था, जो भगवान पर था। सो ही कलेक्टेड 70 पेसोस, तो उसने क्या किया, 70 पेसोस को इकट्ठा किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उस पैसे को लेंचो को भेज दिया। सेंट का अर्थ हो जाएगा भेज देना या भेजना। विथ लेटर साइन टू गॉड, जो लेटर के ऊपर उसने भगवान के हस्ताक्षर कर दिए, यानी जो लिफाफा था, लिफाफे के ऊपर उसने गॉड लिख दिया। पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेज दिए भगवान के साइन करके। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर, फाइंड का अर्थ होता है पाना। जब लेंचो ने उस लेटर को प्राप्त किया तो क्या वो आश्चर्यचकित हो गया क्या, और जो उसमें जो पैसे थे उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया क्या, वो मनी यानी पैसे है ना, कि भगवान, जब जो पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे भेजे तो वो लिफाफा लेकर जो है, जब उसने पैसे देखा उसमें, तो क्या वो सरप्राइज हुआ क्या, तो नहीं हुआ वो। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। टू फाइंड द लेटर, उस लेटर को प्राप्त करके, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सही है। एंड द मनी, और जो पैसे उसमें थे उसको भी देखकर बिल्कुल नहीं चौंका। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, देट यानी कि गॉड हिमसेल्फ, कि भगवान ने खुद ने ही उसे पैसे भेजे हैं, है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, आपका आंसर इतना यहाँ से, फेल्ट दैट गॉड हिमसेल्फ हैड सेंट हिम द मनी, उसको जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि भगवान ने ही उसके लिए पैसे भेजे। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज़ ने गुस्सा दिला दिया। एंग्री यानी गुस्सा होना, और मेड हिम का अर्थ हो जाएगा उसे गुस्सा दिलाना। ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा हो गया, बिकॉज यानी क्योंकि, ही है डिमांडेड, उसने मांगे थे, डिमांड का हिंदी अर्थ हो जाएगा मांगना। 100 पेसोस, कितने, 100 पेसोस मांगे थे। एंड ही गोट ओनली 70 पेसोस, और उसे केवल कितने
पैसे प्राप्त हुए, ओनली 70 पैसों से प्राप्त हुए, इसीलिए वह गुस्सा हो गया। गॉट का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्राप्त होना। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचोस, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, वाई यानी क्यों, सेंड यानी भेजना, वाई डज ही साइन और उसने हस्ताक्षर क्यों किए, साइन का हिंदी अर्थ हो जाएगा हस्ताक्षर करना। साइन द लेटर टू गॉड, उस लिफाफे पर उसने भगवान के हस्ताक्षर क्योंकि उन्हें भगवान लिखकर क्यों भेजा। द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोस फेथ, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ देना, तो पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था, वॉन्ट टू का अर्थ हो जाएगा चाहना, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान पे से टूटे, फेथ इनका अर्थ हो जाएगा बस भरोसा या विश्वास। ही फील्स, वह महसूस करता है कि गॉड अबाउट दिस ना, गुड अबाउट दिस और इसके बारे में वो अच्छा समझता है। ही साइंस द लेटर, कि वह इसके बारे में अच्छा महसूस करे, ही यानी वह, फील्स यानी महसूस करे, गुड यानी अच्छा, अबाउट दिस इसके बारे में, तो वो क्या करता है, ही साइंस वह हस्ताक्षर कर देता उस पत्र पर, किसके, गोट के, टू रिफार्म, रिफार्म का हिंदी अर्थ हो जाता है भरोसा है ना या पक्का विश्वास हो जाना, ताकि उसको पक्का भरोसा हो जाए कि भगवान ने खुद ने ही उसे पैसे भेजे हैं। इफ ही डिड नॉट डू, यदि वह ऐसा नहीं करता, सो लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, तो लेंचो कुछ अलग ही सोचता, यानी कि उसने इसलिए पोस्ट मास्टर ने लिफाफे पर साइन किए भगवान के, ताकि उसको पूरा पक्का भरोसा हो जाए कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या उसने ढूंढने की कोशिश की, फाइंड आउट का अर्थ हो जाएगा ढूंढना या पता लगाना, ट्राई टू यानी कोशिश करना, हु यानी किसने, सेंट यानी भेजे हैं, मनी टू हिम उसको पैसे, वाई एंड वाई नॉट, यदि उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की तो क्यों, और क्यों नहीं की तो उसका भी जवाब देना है कि उसने क्यों नहीं जो है पता लगाने की कोशिश करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपका पूछा गया एमपी बोर्ड में। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, हु हैड सेंट हिम द मनी, कि उसे पैसे किसने भेजे। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सही है, आप यदि मैच करके देखोगे तो। ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था, बिलीव का अर्थ हो जाएगा भरोसा होना। नेचुरली, कि प्राकृतिक रूप से, दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं, सेंट का हिंदी अर्थ हो जाएगा भेज देना, मनी यानी पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। हु डज थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो क्या मानता है कि बाकी के बचे हुए पैसे किसने निकाले हैं, बचे हुए पैसे को बोलेंगे रेस्ट ऑफ, थिंक्स यानी मानना या सोचना, टेकन यानी निकाल लेना। वाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ तक समझ लेते हैं, लेंचो जो है क्या मानता है कि उसके बचे हुए कैसे पैसे किसने निकाले हैं, वाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या कटाक्ष है, आयरनी यानी कटाक्ष यानी बातों को विपरीत कर लेना, मतलब कोई सही करता है और उसके बारे में गलत सोच लेना, इसको ही आयरनी बोलते हैं। जैसा कि पोस्टर मास्टर वालों ने सही करा लेकिन लेंचो ने क्या कर दिया, गलत सोच लिया उसको, इसी चीज़ को अपन आयरनी बोलते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या आयरनी थी, यही आपको बताना है। लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो मानता है कि, थिंक्स यानी मानना है सोचना, दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं उन्होंने बचे हुए पैसे निकाल लिए, रेस्ट ऑफ यानी बचे हुए, टेकन यानी निकाल लेना। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, यही इस कंडीशन में आयरनी है, इज दैट क्या है, काइंड इफर्ट, काइंड यानी एक दयालु प्रकार का
कार्य था या प्रयास था। इफर्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रयास, या जो इफर्ट यानी प्रयास था। क्या था? एक दयालु प्रकार का कार्य था। किनका? पोस्ट मास्टर का। विच डिजर्व, जो कि डिजर्व था यानी लायक था। किस लायक था? आभार के लायक था। ग्रेटिट्यूड का हिंदी अर्थ हो जाएगा आभार होना। इज नफल्ड बाय नेलचोस, जबकि यह लेंचो के द्वारा नकार दिया गया है उसकी सोच के द्वारा। यही इसमें आयरनी थी। क्या थी इसमें आयरनी? कि उन्होंने एक अच्छा दयालुपूर्ण कार्य किया लेकिन उसके प्रति उल्टा सोचा गया और उसको नकार दिया गया। यह इसमें आयरनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज प्रॉब्लम, और उसकी क्या समस्या थी? लेंचो कौन था और उसकी समस्या क्या थी? लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक गरीब और मेहनती काम करने वाला किसान था। फार्मर का हिंदी अर्थ हो जाएगा किसान। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। हिज क्रॉप वाज कॉर्न वाज ऑलमोस्ट रेडी, उसकी जो मक्का की फसल थी लगभग तैयार थी, है ना। कॉर्न यानी मक्का की, क्रॉप यानी फसल, ऑलमोस्ट यानी लगभग, रेडी यानी तैयार थी। बट इट नीडेड अ लिटिल रेन, परंतु थोड़ी सी वर्षा की जरूरत थी। नीडेड का हिंदी अर्थ हो जाएगा जरूरत होना, लिटिल यानी थोड़ी। इफ डिड नॉट रेन, यदि बरसात नहीं होती, इफ यानी यदि, डिड नॉट रेन यानी बरसात नहीं होती, ही वुड नॉट गेट गुड क्रॉप, तो उससे अच्छी फसल प्राप्त नहीं होती। गेट का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्राप्त हो जाना। एंड ही इस फैमिली माइट सफर, और उसकी वो और उसका परिवार पूरी तरीके से भूखा रह जाता पूरे साल। स्टारवेशन का हिंदी अर्थ होता है भूखा रहना, मतलब भूख से पीड़ित रहता। सफर का हिंदी मतलब होता है पीड़ित होना, भूख से पीड़ित रहता फॉर द ईयर, पूरे साल। तो लेंचो कौन था? लेंचो एक गरीब किसान था जो बहुत हार्डवर्किंग था। उसकी फसल जो है लगभग तैयार थी, परंतु थोड़ी सी बरसात की ज़रूरत थी, और बरसात यदि नहीं होती तो वो पूरे साल उसको जो है भूखे रहने पड़ता या पीड़ित रहना पड़ता, उसको अच्छी फसल प्राप्त नहीं होती। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन आयरनी, आयरनी ऑफ लेंचो कॉलिंग द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रॉप। दोस्तों, मैं लॉन्ग वाला आंसर जो है आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। और यदि लॉन्ग वाला आंसर आपको चाहिए एक्सप्लेन, तो वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।